बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में अब की। हेलो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ नीलकंठ का, जो आ रहा था। बोलते थे कि 5 करोड़ पब्लिक आएगी, पर दोस्तों पिछले 3 दिन से लगातार ये भीड़ ऐसी चल रही है, और ये ऐसी भीड़ है समझाने से भी नहीं मान रही है। अब देखो यहाँ पर पुलिस स्टाफ की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो यहाँ पर 90% ऐसी पब्लिक है जो कि ये आउटसाइड है, यानी यहाँ से जाना ऋषिकेश है, पर ये लोग पार्किंग के लिए भी ऊपर ही आ रहे हैं, जबकि पार्किंग यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे है। गाइड तो नहीं कर रहा ढंग से, मंदिर का रास्ता इधर दिखाया है। ये केवल लोकल की भीड़ है जिसमें हरियाणा पंजाब नहीं है, क्योंकि हरियाणा पंजाब 2 दिन पहले खत्म हो चुका है। ना भाई, हरियाणा के भी हैं। इन लोगों को बार बार बोल रहे हैं 2 लाइन लगाओ, पर नहीं मान रहे हैं। इनकी लाइन देखो आप, ये देखो बोल रहे हैं इनको 2 लाइन लगाओ ताकि आपको जल्दी दर्शन हो जाए, पर इन्होंने 5 लाइन बनाई हुई है। और जो आउट वाले हैं, ये आउट वाले हैं जिनको आउट साइड से जाना है, उनको भी रास्ता नहीं दे रहे। अपने बच्चों का मोबाइल नंबर लिखो हाथों पे। अपनी बड़ी कोशिश है पिछले 4 दिनों से, यही कोशिश है कि हम इन लोगों को सुरक्षित जल भी चढ़वाएं और इनके घर भी सुरक्षित पहुंचाएं। पर क्या है कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, जितना भी कोशिश करते हैं इनको ये लोग सुरक्षित जल चढ़ाएं, और सुरक्षित जल चढ़ाने की बजाय ये लोग उदम उतार रहे हैं। और इनमें देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, देख रहे होंगे आप छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बच्चों को गोद में ले आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो पेट में भी लेके आए, ये देखो। अब आप बताओ इन लोगों का लाइन में क्या मतलब है, ये कितना छोटा बच्चा है। अगर ये गुम हो जाए तो इसको अपना नाम भी नहीं पता, पर ये लोग इतनी करोड़ों की भीड़ में बच्चों को दाबने के लिए ले आए, खुद तो दब ही रहे हैं। सही कह रहे दरोगा जी, सही कह रहे, खुद दब रहे हैं, लोगों को भी दाब रहे हैं। भाई जल्दी जल्दी चला रहे चलने वाले भाई, Oh,
Thank you.
ये इतनी व्यवस्था बनाने के बाद भी ये देखो ये लोग हैं जो बिना अनुशासन के चल रहे हैं, फिर बोलते हैं इतने आदमी मर गए आज, इतने मरे आज, इतने मरे। यहाँ डेली न प्रतिदिन किसी ना किसी के चोट लगती रहती है, बारिश होती है तो ये रास्ता स्टेबल नहीं रहता, ताकि इस रास्ते से जा सके। और ये देखो ये हमारे देश की पढ़ी लिखी पब्लिक है, रास्ता होने के बावजूद भी इधर चलती है। जनता है जनता, रिपोर्टर बन नारा दिया जी, दो आठ दो नंबर हो रहे हैं, रिपोर्टर बन ना यार, कहाँ तेरे को बात ये डॉक्टर साहब हैं, ये मेले में दवाइयों का प्रबंध करते हैं। जो लोग बीमार हो जाते हैं, किसी को कुछ भी हो जाए, चाहे वो दुकानदार हो या सावन में आए हुए भोले, सभी को देखते हैं। ये वो पब्लिक है जो पहने के बाद भी नहीं मानती। ये मेले में MD टैटो स्टूडियो, ये हरियाणा पे हैं, बहुत अच्छे टैटो बनाते हैं। ये नंबर है इनका, अगर आपको चाहिए हो तो। थैंक यू मिस्टर नटवरलाल, ये नाम लिखा सर, ये इनकी कलाकारी है। देखो लोग ऐसे ऐसे अपने शरीर को नीलकंठ पे बहुत शौक से लिखवाते हैं अपने बच्चों ने। ऐसे प्रसाद की दुकानें लगती है, जूता चप्पल उतरवाने के लिए लोग इधर उतारते हैं और ये प्लास्टिक की रस्सी से बांधा जाता है, उनको फिर टोकन दिया जाता है, ताकि वापसी में आते टोकन दे के अपने जूते चप्पल ले इससे। ये रोड ब्लॉक होने के बाद पब्लिक इंतजार कर रही है अपने जाने का। ये देखो ये ऐसे लोग हैं जिनको पहनने के बाद भी जूते चप्पल नहीं उतार रहे, जबकि जूते चप्पल की फ्री सेवा है। और ये अपनी अच्छाई सुनकर दांत भी दिखाते हैं, दिखाते हैं दिखा है। ये बतागा सही है यार। Thank you.
ये बालाजी मंदिर है और ये पार्वती मंदिर है ऊपर, और नीचे ये नीलकंठ महादेव मंदिर। आएगी भी हो जाए।